कितना मस्त है ये मैक का सेट, कलरफुल ब्रेड मेकर पेंस। ये मेरे पास है, ये देखिए कलरफुल भी है, हैंड मिक्सर। ऑलमोस्ट होने को आई है, हम ऊपर से हरे प्याज डाल देंगे, फिर चटनी हम सर्विंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम लोग आए हैं रिवान के स्कूल, उसको ड्रॉप करने के लिए, बट आज बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है आप देखिए, तो इसके लिए हस्बैंड अभी रिवान को छोड़ने गए हैं अंदर। उसके बाद डायरेक्टली मैं अभी चली जाऊँगी लिडल ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, मुझे वेजिटेबल्स लेने हैं और कुछ थोड़ा और चाय पत्ती, ऐसा सब कुछ भी ख़त्म होने को आया है, सो उससे पहले ही मैं लेकर आऊँ। सो इसके लिए हम, बारिश ज़्यादा हो रही है इसके लिए हम कार लेके आए, तो मैंने सोचा अभी साथ में ही लिडल जाके आती हूँ, तो फिर मुझे वापस जाना नहीं पड़ेगा। बंस देखिए, ब्रेड अलग अलग तरह के बंस हैं यहाँ पर, यहाँ पर है ब्रेड, उसमें देखे ब्लूबेरीज, रास्पबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ग्रेप्स, ये वाले ग्रेप्स भी है, रेड ग्रेप्स भी है, मशरूम्स, अलग अलग मशरूम है, यहाँ फेलन, कॉर्न ऑन द कॉब, भुट्टा, बेबी कॉर्न, शुगर स्नैप्स, ये है पक चोई, ये अलग अलग तरह के लिए स्पिनच, नो आई वांट स्पिनच। कितना मस्त है ये मैक का सेट, कलरफुल ब्रेड मेकर पेंस। ये मेरे पास है, ये देखिए कलरफुल भी है, हैंड मिक्सर। के बारिश कितनी हो रही है, ये पूरी रात बारिश हुई है, आज नींद भी अच्छी नहीं हुई है, देखिए कितनी बारिश है। यहाँ पर मैंने फुलका बना लिया है और प्लस यहाँ पर मेरी सब्जी कुक हो रही है, ऑलमोस्ट हो ही गई है, तो यहाँ पर मैंने बनाई है कॉलीफ्लावर आलू और मटर की सब्जी, और ये मैंने बनाई है हरे प्याज डाल के, और ऊपर से देखिए ये हरे प्याज मैंने कटिंग करके रखे हैं, तो ऑलमोस्ट होने को आए हैं, हम ऊपर से हरे प्याज डाल देंगे। अभी मुझे बनानी है एप्पल की चटनी, तो मैं एप्पल की चटनी आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है ग्रीन एप्पल, ये ग्रीन एप्पल से ही अच्छी बनती है, क्योंकि ग्रीन एप्पल थोड़ा खट्टा होता है, इसकी वजह से इसका जो बीच का कोर है वो हमें निकाल लेना है, बट अभी ये वाला क्लीन ही है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैं ग्रीन एप्पल की चटनी बना रही हूँ, उसके लिए सबसे पहले हम डालेंगे 1 क्लोव ऑफ गार्लिक, इसमें मैं ऐड करूँगी ये अदरक इतना स्लाइस करके डालूंगी, एक हरी मिर्च जिसको मैंने टुकड़ों में कट कर लिया है, और साथ ही में हम ऐड कर देंगे कट किए हुए ग्रीन एप्पल, पूरा ही डाल देंगे, साथ में हम थोड़ा सा ऐड करेंगे हरा धनिया, ज़्यादा हरा धनिया ऐड नहीं करना है, थोड़ा सा ही, अच्छा सा थोड़ा कलर आए और टेस्ट आए बस उतना ही, नहीं तो ये ग्रीन एप्पल की जगह हरे धनिया की चटनी बन जाएगी। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून जितना ज़ीरा, ये हम आखा ज़ीरा लेंगे। यहाँ पर हम ऐड करेंगे
यहाँ पर हमें दो तरह के नमक ऐड करी हूँ, सादा नमक और यहाँ पर काला नमक भी हमें ऐड करना है, जिससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। अब ये चटनी को हमें बिना पानी डाले अच्छे से पीस लेना। ये देखिए ग्रीन एप्पल की चटनी बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है, क्योंकि एप्पल में पानी ही होता है तो इसके लिए आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर चटनी हम सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मेरी एप्पल की चटनी इतनी बची है। देखिए एक एप्पल की ग्रीन चटनी बनाती हूँ तो उससे करीब मेरी दो टाइम चलती है चटनी, ज़्यादा नहीं। बट हाँ, फ्रिज में आप इसे 2 से 3 दिन तक रख सकते हो आराम से, जैसे हम हरी चटनी बनाते हैं फुदने की या हरे धनिया वाली, उसी तरह ये चटनी भी रहेगी। क्योंकि जो ग्रीन एप्पल होते हैं ना, वो अपने आप में ही उसका टेस्ट होता है, वो खट्टा होता है। सो एंड थोड़ा एप्पल है तो थोड़ा उसमें शुगर का पोर्शन भी रहता है। सो इसकी वजह से दोनों ही चीज़ है जो प्रिजर्वेटिव का काम करेगी, तो आपकी चटनी उससे भी ज़्यादा मुझे लगता नहीं ख़राब होगी। बट मेरी तो उससे ज़्यादा चलती नहीं है, बट मुझे लगता है ज़्यादा चलेगी ये चटनी। और मैं एडिटिंग करने बैठी थी लैपटॉप में, मेरा फर्स्ट मैं उसमें एडिट कर रही थी। बाकी जो मैं लास्ट व्लॉग देखा वो भी 4K का ही था, बट वो मैंने अपने मोबाइल में ही मैंने एडिटिंग की थी, क्योंकि लास्ट टाइम वो चला नहीं था एक दो ऐप, तो उसकी वजह से मैं कर नहीं पाई थी। अभी भी कर रही थी, हो गया है बट टाइम हो गया है शाम का, तो मैं अपलोड करूँगी अभी कल। तो फाइनली अभी रिवान को वो एडिटिंग हो गई, रिवान को लगी भूख। तो आज ये हम लोग बंस लेकर आए थे, तो बंस में क्या हुआ ना, ये हस्बैंड ने लिया था ऐसे ही खाने के लिए, तो मैं सोच रही थी कि मैं कुछ बर्गर टिक्की बनाऊंगी, कुछ बनाऊंगी। रीवा ने देख लिया तो उसने बोला मम्मा इसमें मुझे नटेला लगा के दो, मुझे नटेला वाला खाना है बन। तो ये उसके लिए बना लिया है, मैं रीवान को दे दूंगी। और मैं आज का मेरा ये वाला व्लॉग यहाँ पर ही एंड करूँगी। और आज का मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा, और स्पेशली ये जो ग्रीन एप्पल से बनने वाली ये जो चटनी है ये आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप भी अपने घर पे ज़रूर बनाना, चटनी ज़रूर लाइक करोगे और व्लॉग को भी लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो। तो हम मिलते हैं न्यू व्लॉग में न्यू दिन के साथ और मे बी न्यू रेसिपीज़ के साथ भी। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।